सर, अगर जांच के दौरान यह खुलासा होता है कि उकसाने के द्वारा ही मालती चौहान ने सुसाइड किया, तो क्या लगता है किसको सजा होगी? अब देखिए, गोरखपुरिया भौजी हो या कश्मीरिया भौजी हो, कानून को अगर हाथ पे हाथ में लीजिएगा, ठीक है वो अश्लील वीडियो बनाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अश्लील वीडियो बना रही है तो आप किसी का मर्डर कर देंगे। और उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो विष्णु हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे गोरखपुरिया हो, या कोई और थर्ड या फोर्थ एंगल शामिल हो, वो मालती चौहान ही मुझे फोर्स करती थी बात करने के लिए, जिसके बाद उसको पता नहीं था ये अर्जुन को ये बात कि मालती चौहान सुसाइड कर लेगी। सर, इस कहानी में पूरा का पूरा सस्पेंस दिखाई दे रहा है कि आखिर मालती चौहान का हत्या किसने किया है। कभी अर्जुन पे शक जाता है तो कभी विष्णु पे शक जाता है। आप शादी शुदा है, किसी से अफेयर चला सकते हैं, ये मोरली वो गलत हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से आप किसी को सजा देने का प्रावधान वहाँ पे नहीं है। तो एक जांच का विषय है, और जांच होगी कौन कौन इसमें लोग शामिल है, और जो भी लोग शामिल है, चार्जशीट जब पुलिस सौंपेगी, डायरी सौंपेगी, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और नमस्कार दोस्तों, देखिए मालती चौहान केस में हर दिन एक नया खुलासा होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कम का माहौल बन जाता है। अभी एक और खुलासा हुआ जिसमें अर्जुन का कहना है कि मालती चौहान ही मुझे बोली थी बात करने के लिए। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार से नए नए खुलासे हो रहे हैं? आप जाने माने प्रसिद्ध हाईकोर्ट के वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से धारा क्या कुछ लगेगा? सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो सवाल उठता है कि मालती चौहान जो यूट्यूबर थी, तो उसका मर्डर किसने किया है? तो उस FIR में जब FIR हुआ तो विष्णु जो राज है वो अरेस्ट हो चुका है, और इसमें और भी तमाम लोगों को नाम आ रहा है, जैसे गोरखपुरिया भौजी हैं, अर्जुन है, अर्जुन का कहना कि वो हमसे को फोर्स करती थी बात करने के लिए, तो यहाँ पे डाउटफुल क्रिएट हो रहा है कि अगर वो फोर्स करती थी बात करने के लिए तो हो सकता है उसकी वजह से उसने जान मार दिया होगा, उसने ही मर्डर किया होगा। किसने सर? अर्जुन ने। लेकिन इसमें जो भी शामिल है, FIR हो चुकी है, पुलिस जांच कर रही है, सुनने में आया कि वहाँ का SSP जो है वो भी SIT के टीम है जो गठित कर दी गई है, और उसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो विष्णु हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे गोरखपुरिया हो, या कोई और थर्ड या फोर्थ एंगल शामिल हो, सबको सजा होगी। और 302 का मुकदमा के तहत फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अब मिनिमम जो सजा होगी वो आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सेकेंडरी जो सवाल रहा है कि ये जो मैटर जो चल रहा, तो बहुत दिनों से चल रहा था, और इसमें सवाल उठता है कि मालती चौहान ने दूसरी शादी कर ली थी, उसको दूसरी शादी कराया गया था, तो दूसरी शादी जब आप देखिएगा लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर देखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़िएगा, तो जिसमें दूसरी शादी करने के अलावा नहीं है। सर, बिना डाइवोर्स का तो शादी होगा नहीं, दूसरी शादी चाहे तो डाइवोर्स आपको लेना पड़े, या तो 7 वर्ष से ज्यादा की अगर आपको सजा हो जाती है, या कम से कम 7 वर्ष की सजा हो जाती है, या आप फिजिकली या मेंटली रूप से इनकैपेबल होते हैं, तब जाकर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अन्यथा अगर दूसरी शादी आप करते हैं तो आप उसके लिए आपको पनिशमेंट की व्यवस्था है, IPC में ये बात कही गई है, हिंदू मैरिज एक्ट में इसको प्रोहिबिट किया गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी जो बात हुई है, ठीक है वो अश्लील वीडियो बनाती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अश्लील वीडियो बना रही है तो आप किसी का मर्डर कर देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, किसी को फांसी पर लटका कर जान मार देंगे। तो ये बहुत शर्मनाक और बहुत दर्दनाक घटना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन जो है फेयर तरीके से जांच करेगी। अगर प्रशासन फेयर तरीके से जांच नहीं करती है तो मैं उनके परिवार से कहना चाहूंगा कि मेरा नंबर आप उनमें डाल दीजिएगा, अगर वो मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में और जो भी वहाँ का कंसर्न हाई कोर्ट है उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिट पटिशन भी दायर करेंगे, और उनको मुझे लगता है कि उनके पिताजी हैं मालती चौहान के, जो भी फैमिली है उनको न्याय मिलेगी और इसकी जरूरत भी है। सर, इस कहानी में पूरा का पूरा सस्पेंस दिखाई दे रहा है कि आखिर मालती चौहान का हत्या किसने किया है। कभी अर्जुन पे शक जाता है तो कभी विष्णु पे शक जाता है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ कि आखिर किसके वजह से मालती चौहान की मौत हुई है। लेकिन अगर खुलासा होता है तो क्या सजा होती है? देखिए, खुलासा तक जहां तक इस सवाल है, विष्णु राज को अरेस्ट कर लिया गया और भी बहुत सारे लोग फरार हैं, तो SIT गठित कर दी गई है, और मुझे लगता है कि वहाँ का जो प्रशासन उसको न्यायपूर्ण तरीके से, ईमानदारी तरीके से, फेयर तरीके और निष्पक्ष तरीके से जांच करने की जरूरत है। और जब जांच होगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उस जांच पर मालती चौहान के परिवार को कोई डाउट होता है तो फिर हम लोग आगे फर्दर हम लोग कोर्ट में भी चलेंगे, अगर वो मुझसे संपर्क करती हैं तो। और जहाँ तक की सजा की बात है तो आप इतना समझ लीजिए कि मिनिमम जो सजा है हत्या के लिए, IPC 302 पढ़िएगा, तो हत्या के लिए मिनिमम जो सजा है हमारे भारतीय कानून में वो आजीवन कारावास की सजा
सजा है, और मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो एक्सटेंड करके फांसी तक हैंग टिल डेथ तक पहुंच सकता है। तो ये सबसे बड़ी जो सवाल है कि इतनी इसकी सजा हो सकती है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे दो लोग हैं, चार लोग हों, चाहे दस लोग हों, चाहे पचास लोग हों, अगर सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो सारे लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए दोस्तों, मालती चौहान भी शादीशुदा थी और अर्जुन भी शादीशुदा है और विष्णु भी शादीशुदा है, लेकिन इसमें नया खुलासा हो जाता है अर्जुन का, जो कहते हैं कि वो मालती चौहान ही मुझे फोर्स करती थी बात करने के लिए, जिसके बाद उसको पता नहीं था ये अर्जुन को ये बात कि मालती चौहान सुसाइड कर लेगी, जिसके बाद इतना बड़ा खुलासा लगातार होते जा रहा है। लेकिन सर लास्ट में क्या हो सकता है, आप क्या बता सकते हैं इसमें? देखिए अभी जांच चलने दीजिए, जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है, और भी लोगों का अरेस्टिंग हो सकता है, अगर अरेस्टिंग लोग सरेंडर नहीं करते हैं तो उस प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी व्यवस्था है, कुर्की जब्ती भी होगी। और प्रशासन से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप न्यायपूर्ण तरीके से जांच कीजिए, किसी एक व्यक्ति और किसी एक महिला की मौत का सवाल नहीं है, ये पूरे हमारे देश के सिस्टम पर ये सवाल खड़ा कर देता है पूरे देश में जो लोग। सर सवाल ये है कि शादीशुदा होते हुए किसी गैर मर्द से अवैध संबंध बनाना, ये कहाँ तक सही है शादी करना, और खुद पति शादी करवाता है? देखिए भैया ये बिल्कुल गलत है। देखिए अवैध संबंध बनाना, पहले हमारे पास इस तरह का 497 में आप एडल्ट्री का कानून था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन करके अंशकन किसी इनवैलिड उसको कर दिया गया, वो कानून अब नहीं है। आप शादीशुदा हैं, किसी से अफेयर चला सकते हैं, ये मोरली वो गलत हो सकता है, लेकिन कानूनी रूप से आप किसी को सजा देने का प्रावधान वहाँ पे नहीं है। पहले था एडल्ट्री में, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो मोरली रूप से तो गलत है नहीं, ये सामाजिक रूप से गलत है। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है कि ठीक है, आपने शादी किया था, आपने दूसरी शादी मालती ने की थी, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाते हैं, आप उसके पास प्रशासन के पास जाते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा। कानून को हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। अगर कोई कानून का हक को हाथ में लेगा, उसके लिए हमारे पास व्यवस्था है और उसको पनिश किया जाएगा। हत्या करने का बिल्कुल किसी को राइट नहीं है, कानून अपने हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है। आप कानून के पास जाइए, दरवाजा के न्यायालय का दरवाजा खुला है, वहां से आपको न्याय मिलेगा। सर अगर जांच के दौरान यह खुलासा होता है कि उकसाने के द्वारा ही मालती चौहान ने सुसाइड किया, तो क्या लगता है किसको सजा होगी? हाँ तो देखिए बाप, हत्या करना और हत्या के लिए उकसाना दो अलग अलग चीजें हो जाती है, दोनों अलग चीज है। हाँ दोनों अलग अलग चीज है। आप आईपीसी पढ़ेंगे तो अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड इसको बोला जाता है, तो हत्या करना और हत्या के लिए उकसाना, लेकिन दोनों का जो पनिशमेंट है बहुत हार्श पनिशमेंट है, दोनों भर में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अबिटमेंट ऑफ सुसाइड में पोस्टमार्टम जो होगा तो कहीं ना कहीं उसमें तो खुलासा होगा ना सर, क्या हुआ है? बिल्कुल उसमें खुलासा हुआ, बिल्कुल होगा की जब पोस्टमार्टम होगा तो चीजें क्लियर हो जाएगी कि फांसी खुद लगाई है या फांसी लगाकर उसको मारा गया है, कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा गया है। अगर कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको मारा गया है तो एक जांच का विषय है, और जांच होगी कौन कौन इसमें लोग शामिल हैं, और जो भी लोग शामिल हैं चार्जशीट जब पुलिस सौंपेगी, डायरी सौंपेगी, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब ये चीजें हो जाएगी तो आगे का जो प्रोसीजरल जो कानून लॉ का जो रूल का प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी अटैचमेंट होगी, गिरफ्तारी होगी, सरेंडर करना होगा, अगर नहीं करेंगे उसके बाद भी और तमाम तरीके जो भी चीजें वो प्रशासन के द्वारा। इस पूरा मामले में गोरखपुरिया भोजी है उसका भी नाम सामने आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका भी हाथ है और उनको भी जेल जाना पड़ेगा, सजा होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गोरखपुरिया भोजी हो या कश्मीरिया भोजी हो, कानून को अगर हाथ पे हाथ में लीजिएगा तो कोई भी भोजी हो या कोई भी क्या हो उससे मतलब नहीं होता। चिल्ला रही है सर। हाँ तो चिल्ला रही है तो जब जांच करने दीजिए ना, वहाँ के एसएसपी ने टीम गठित किया है, और जांच में अगर गोरखपुरिया भोजी आती है या कश्मीरिया भोजी आती है तो सजा बिल्कुल मिलेगी। ऐसा थोड़े है कि गोरखपुरिया भोजी है तो उसको सजा नहीं मिलेगा, नहीं, सजा सबको मिलेगा, जो भी कानून को तोड़ा है, जो भी उसके मर्डर में शामिल होंगे, सजा सबको मिलेगी। तो दोस्तों इनका कहना है कि जो भी आरोपी अगर साबित हो जाते हैं तो सबको सजा मिलेगी, क्योंकि न्याय जो है वो सबको कहीं ना कहीं सजा मिलेगी अगर आरोपी निकल जाता है, इनका ये कहना है। अभी मेरे साथ जाने माने प्रसिद्ध वकील एडवोकेट थे, वकील बबलू सर, चलिए इनसे जानने का प्रयास किया और इन्होंने कहा कि जो भी आरोपी उनको सजा मिलेगी। बाकी इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देखना फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।